है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि दोस्तों जानते हैं, हमें भी कोई भी अगर चैनल पे वीडियो अपलोड करना होता है तो उससे पहले हमें एडिट करना होता है, और जिसे VN या काई मास्टर का हम उपयोग करते हैं। तो आज के वीडियो में जो आपको जानकारी देने वाले दोस्तों, वो है काई मास्टर की। काई मास्टर आपको 100% में चलाना सिखा दूंगा। इन एनिमेशन क्या होता है, आउट एनिमेशन क्या होता है, ओवरऑल एनिमेशन क्या होता है, पूरी आसान भाषा में बिल्कुल आपको सिखा दूंगा। अगर आप बिल्कुल नए हो काई मास्टर पे तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, मैं आपको एकदम इजीटली सिखा दूंगा। 101% आप वीडियो एडिटिंग करना सीख जाओगे। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन की ओर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं हम। ये दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन की ओर, और यहाँ पर हम अपना काइन मास्टर ओपन कर लेते हैं। आपने भी अगर डाउनलोड किए के रखा हुआ काइन मास्टर तो आप भी ओपन कर लीजिए। देखिए सिंपली मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ कि मैंने अपना काइन मास्टर ऑन कर लिया है। और आपके हमने कुछ ऐसा अगर इंटरफेस खिलेगा तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कीजिए, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आप क्रिएट पर क्लिक कीजिए, जैसे इस प्रकार से क्रिएट पर क्लिक कीजिए, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों आप फिर से आप क्रिएट ए न्यू पे क्लिक कीजिए। क्रिएट ए न्यू पे क्लिक करने के बाद आप 16:9 की स्क्रीन लीजिए। जैसे कि दोस्तों मैं ले लेता हूँ 16:9 कि आप ले लीजिए स्क्रीन। देखिए यहाँ पर ये स्क्रीन ले लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों आप क्या कीजिए, इसे क्रिएट पर क्लिक कीजिए। इसे यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। फिर इसके बाद अपन क्या कीजिए, मीडिया पर क्लिक कीजिए। सिंपली हम मीडिया पर क्लिक करेंगे। पहले मीडिया पर क्लिक करने के बाद इसके बाद दोस्तों आप मीडिया पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से हम कुछ फाउंड ले लेंगे, जैसे कि हम यहाँ से कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली लेयर लूँगा एक, जो कि मुझे वीडियो एडिटिंग करने के लिए अच्छा, कुछ जिसमें फ़ोटोज़ डाल के वीडियो एडिटिंग करूँगा इसकी। और आप भी कुछ इसी प्रकार से फाउंड ले लीजिए जो भी आपको पसंद हो। जैसे कि मुझे ये पसंद है तो मुझे ये लेयर ले ली। अब मैं इसको सिंपली यहाँ से बड़ी कर दूँगा। जितनी आप दोस्तों जितना आपका वीडियो है उतना बड़ा कर सकते हो आप इसे सिंपली। देखिए मैं आपको एक एक फीचर के बारे में डिप में जाके से बताऊँगा, आप काइन मास्टर 100% चलाना सीख जाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ ये लेयर को आप बड़ी कर लीजिए, बड़ी कर लीजिए लेयर को यहाँ से, जितना हो सके उतनी बड़ी कर लीजिए। और फिर दोस्त यहाँ से आप इसे यहाँ से अब अपने को अगर यहाँ पर नीचे इसके नीचे अगर इसके ऊपर अपने को फ़ोटोज़ लाने दोस्तों, आप लेयर पर क्लिक कीजिए। लेयर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। लेयर पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको हमने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। देखिए दोस्तों हमने जो भी अभी पिक्चर्स डाउनलोड करके रखी है या फोटोज़ डाउनलोड करके रखी है वो हम सिंपली यहाँ से ले लेंगे। जैसे कि मैंने पिक्चर्स डाउनलोड करके रखी है, देखिए मैं अभी वीडियो जैसे एडिट कर रहा हूँ द्रौपदी चील हरण का। देखिए मैंने यहाँ से ये वीडियो यहाँ से जूम करके यहाँ से आप फाउंड पूरा बढ़ा लीजिए। यहाँ से फाउंड बढ़ाने के बाद फिर आप सिंपली, और दोस्तों ये देखिए ये हमारा फाउंड और ये फ़ोटो आ गया है। अब यहाँ से हम इसे इसके में ऑडियो डालेंगे, जैसे कि हम इसमें से ऑडियो चूज़ कर लेते हैं और यहाँ से ऑडियो इसमें डालते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिए सिंपली ऑडियो पर, यहाँ पे हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सीधे ऑडियो में आ जाएंगे।
यहाँ पर मैं ऑडियो पर क्लिक कर लेता हूँ सिंपली, और यहाँ पर साउंड पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार के साउंड्स आ गए, जिससे बहुत सारे साउंड्स है, देखिए बहुत सारे। अब यहाँ से कोई भी एक साउंड उठा सकते हो, जैसे कि मैंने देखो ये साउंड्स जो भी मुझे लेना है यहाँ से मैं ले सकता हूँ। देखिए देखिए यहाँ से साउंड में कोई भी साउंड ले सकता हूँ, जैसे ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, हमारा ये ले सकता हूँ, हमारे चैनल, ये ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ। पंचांग कहानियां में आपका स्वागत है। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत में द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया, और इसकी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी कनिष्ठा उंगली कट गई, जिससे भगवान कृष्ण की उंगली से। देखिए दोस्तों हम सिंपल से यहाँ से ये ऑडियो ले लेंगे, अब ये ऑडियो ले लिया हमने। फिर इसके बाद दोस्तों हम जो मैंने आपको बताया था एनिमेशन आउट एनिमेशन, देखिए सिंपली लेयर पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर लेयर पर जाने के बाद यहाँ पर डाउनलोड पर जो भी आपने इमेज डाउनलोड की होंगी या जो भी आप करना चाहते हो, फोटो डालना चाहते हो, सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं अभी आपको बताता हूँ, लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए, और फिर दोस्तों आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हमारा वो जो लोगो है वो फिक्स हो गया। देखिए दोस्तों ये लोगों पे मैं आपको इन एनिमेशन एंड आउट एनिमेशन पूरी ट्यूटोरियल समझा दूँगा। देखिए अगर अपने को इन एनिमेशन डालना है दोस्तों, अगर इन एनिमेशन यहाँ से देखो, अगर कोई भी वस्तु अपन अप करना चाहते हो, जैसे कि कोई भी वस्तु आनी चाहिए, ऐसे इन एनिमेशन के बहुत सारे फाउंड है। देखिए दोस्तों देखिए, और ये दोस्तों आप कितने स्पीड में चाहते हो, धीरे स्लोली चाहते हो या फास्टली चाहते हो, जैसे देखिए फास्ट हो गया, ये स्लो हो गया, ये फास्ट और ये स्लो, तो आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं अभी सिंपली रख लेता हूँ, यहाँ से आप जो भी इन एनिमेशन आउट एनिमेशन में कुछ भी डाल सकते हो। देखिए इन एनिमेशन के इतने सारे प्रकार है, मतलब अगर मैं अपने कोई भी वस्तु डाली तो वो सिंपली तरीके से आनी चाहिए, जैसे सिंपली तरीके से आनी चाहिए। दोस्तों यहाँ से आप इन एनिमेशन के बारे में समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम ओवरऑल एनिमेशन के पास। यहाँ पर देखिए ये ओवरऑल एनिमेशन है, ये ओवरऑल एनिमेशन है। इसके बाद में हम चलते हैं, देखिए ओवरऑल एनिमेशन, जैसे भी कोई भी वस्तु अगर वहाँ पर स्थिर है तो वो वहाँ पर ही हिलनी चाहिए, जगह पे हिलती है इससे। देखिए ये बहुत सारे आप यहाँ से नाम कर निकाल सकते हो, जैसे मेरे ये लोगो है, ये लोगो है दोस्तों, ये देखिए ये हमारा लोगो हिलने लग गया। ये ओवरऑल एनिमेशन का काम है पूरा। ये देखिए ये ओवरऑल एनिमेशन, ये स्क्रीन, ये राउंडर, देखिए ये ओवरऑल एनिमेशन में आते हैं दोस्तों। सिंपली आप अगर और आउट एनिमेशन, अब जानेंगे हम ये आउट एनिमेशन क्या होता है। जैसे कि दोस्तों जानते हैं हम कि आउट एनिमेशन, ये देखिए ये है आउट एनिमेशन। इसके बाद दोस्तों ये देखिए हम इसे सिंपली तरीके से इस पर क्लिक करते हैं आउट एनिमेशन। अगर आपका कोई ये फाउंड है, ये फाउंड अगर आपको अभी वीडियो चल रहा है और यहाँ से आपको जैसा चलेगा वैसा फाउंड, ऐसा वीडियो जैसे इसका एंडिंग आएंगे तो ये फट से ऐसा जाना चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार से ये आउट एनिमेशन होता है। ये देखिए ये आउट एनिमेशन, ये आपका वीडियो चलेगा और यहाँ से ये गायब हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए ये आपका पंचांग कहानियां में आपका स्वागत है। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने इसे गायब हो जाता है, ऐसे ये फॉर्म जैसे ओवरऑल एनिमेशन इसे कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए ये ओवरऑल एनिमेशन, इसी प्रकार का ओवरऑल एनिमेशन होता है, और आउट एनिमेशन भी वही और इन एनिमेशन भी। तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया, मैं और आपको आगे डीप में समझाता हूँ। जैसे कि दोस्तों जानते हो इसी प्रकार से देखिए ये हमारे लेयर्स है, जैसे कि हमने सिंपली इस पर क्लिक किया। देखिए दोस्तों ये बहुत सारे ऑप्शन खुले, यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हो अपने अपने, जैसे ग्रेटनेस डाल सकते हो, यहाँ से फ़िल्टर हो जाता है। देखिए फिल्टर्स से बदल सकते हो आपका जो भी वीडियो एडिटिंग किया होगा, यहाँ से फ़िल्टर बदल सकते हो। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप फ़िल्टर बदलने के बाद
फिर लेयर पर क्लिक कीजिए, यहाँ से कट कर सकते हो। जैसे ये आगे वाला पार्ट हमें कट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। जैसे लेयर का जो आगे वाला पार्ट है अगर उसे क्लिक करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर हमें इधर का पार्ट क्लिक करना है बैक का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों अगर बीच में अगर अपन ग्रेडियंट डालनी है, जैसे बीच में से सिर्फ कट कर नहीं करना है, दोनों भाग अलग करने हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा आप सिंपली तरीके से। यहाँ पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो। मतलब अपने को अगर कुछ भी मतलब अपने को एनिमेशन डालने हैं तो वो भी डाल सकते हो आप। तो ये सीजर का यही है दोस्तों, ट्रिम स्लिप लिस्ट इसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका यही काम है, जैसे कोई भी वीडियो को कट करना और कोई भी वीडियो को फाउंड करना। दोस्तों ये वीडियो जो ये जो है आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं। और देखिए दोस्तों मैं आपको रिप्लेस के बारे में भी समझाता हूँ। जैसे कि देखिए ये है रिप्लेस, यहाँ से आप कोई भी कुछ भी यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से ये फाउंड क्लिक किया, इस पर आया, रिप्लेस पे क्लिक किया, यहाँ से मैं उसे रिप्लेस कर सकता हूँ। देखिए मैंने वो हटाना था मुझे, अब ये लाना है, जैसे ये लाना है, यहाँ से देखो रिप्लेस हो गया, ये रिप्लेस हो गया। यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हो, ये देखिए यहाँ से क्रॉप हो जाएगा, आपका जो भी फाउंड है क्रॉप हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली तरीके से क्रॉप हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ से आप एनिमेशन आउट एनिमेशन क्रॉप का समझ गए, फिल्टर समझ गए। और देखिए दोस्तों ये अल्फ़ा ऑप्टिकल्स, जैसे ये अल्फ़ा पर गए आप, सिंपल तरह से आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर गया, यहाँ पर ये अल्फ़ा। अब इसका जो दोस्तों इसका जो कलर है, इसकी जो अपने को दिख रही है स्क्रीन में जो लाइट्स दिख रहे हैं, इसे हम कम कर सकते हैं। देखिए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, देखिए कम ज़्यादा हो रहा है ना, इसी तरीके से इसका ही काम है। और दोस्तों ये क्रोमा की है, ये क्रोमा की में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों जानते हैं हम कि ये क्रोमा की बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आने वाली, बहुत ही ज़्यादा। देखिए क्रोमा की के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों क्रोमा की, जैसे हमें अगर आपने कोई फ़ोन डाउनलोड किया और उसका बैकग्राउंड नहीं हट रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक कीजिए लेयर पर, यहाँ पर जाइएगा, लेयर पर क्लिक करने के बाद अब मैंने ये ऑप्शन डाउनलोड करके रखे, जैसे कि मैंने सब्सक्राइब के ऑप्शन डाउनलोड करके रखे। देखिए ये सब्सक्राइब का ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो आप जैसे आप कोई भी वीडियो में डालते हो तो ये क्रोमा की से आप उसे उसका ये बैकग्राउंड हट जाएगा। देखिए ये बैकग्राउंड पूरा हट गया, ये रिमूव हो गया उसका बैकग्राउंड। अब यहाँ से आप यहाँ से कम करके अपनी वीडियो में लगा सकते हो। जैसे कि मैं सिंपली तरीके से यहाँ पर लगा देता हूँ, देखिए दोस्तों सिंपल तरीके से लग गया, इतना ही है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं इसे चलाना। देखिए ये यहाँ भी एक दोस्तों, ये बाकी फाउंड आपके कुछ काम के नहीं है, इसी दरकार देखिए। और इसमें रोटेट कर सकते हो इसे, अगर अपने को इसे रोटेट करना है, इसे रोटेट करना है तो देखिए दोस्तों इसे रोटेट अपन कर सकते हैं। इसे अगर रोटेट करना है हमें यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इतने मैंने जो बताया टूल्स उसको आपने अच्छे तरीके से देखा होगा। और दोस्तों एक बात और है, अगर अपने को ऑडियो वीडियो अगर बदलना है, देखिए मैं सिंपली तरीके से इसकी आवाज़ एक किड्स में चेंज कर दूँगा। यहाँ से आप सिंपली तरीके से यहाँ पे किड्स में देखिए, ये मैंने वॉइस पर क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पर क्लिक करिया, देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देखोगे किड्स हो गया, मैन हो गया। आप यहाँ से कोई भी आवाज़ चेंज कर सकते हो, देखिए मैंने किड्स की आवाज़ में इसे चेंज कर दूँगा। देखिए पंचांग कहानियाँ में आपका स्वागत है, एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने महा यहाँ से ये चेंज हो गया।
दोस्तों इसी प्रकार से चेंज कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, और दोस्तों इसके जो और टॉपिक्स है इसके बारे में आपको बस बाद में समझाऊंगा, अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए। और ये दोस्तों अभी आपके कुछ ये ज़्यादा काम में यूज़ में नए आने वाले जो ज़्यादा यूज़ में आने मैंने आपको बता दिया। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।